टाइम में हमने पढ़ा था वन आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, वन मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है, और वन ईयर में, वन डे में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, वन वीक में 7 डेज होते हैं, वन ईयर में 365 या 366 डेज होते हैं, वन ईयर में 12 मंथ होते हैं, ठीक है। ये हमने कल पढ़े थे रुपीस मनी के बारे में भी हमने पढ़ा था, मनी में एक ही हमने पढ़ा था कि 1 रुपीस में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो जो बुक एक्सरसाइज हमने एनालॉग और डिजिटल बुक के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ही पढ़ेंगे, जो कि 11.2 एक्सरसाइज है, जिसमें कि हमें वी ईयर, ठीक है, और डेज के बारे में ज्यादातर हमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो हम उसी कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो कैसे कन्वर्जन किया जाता है ये कल की क्लास में हमने सीख लिया, ठीक है। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज, ठीक है, डेज में हमें कन्वर्ट करना है। ए है 7 वीक, हमें वीक में दिया हुआ है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, डेज में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता ही है कि वन वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, ओके। तो 7 वीक में कितने होंगे, 7 × 7, तो कितने हो जाएंगे, 49 डेज, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 49 डेज। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे हम सी, सी इज 35 वीक्स 2 डेज, 35 वीक्स और 2 डेज, हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, डेज में कन्वर्ट करना है, जिसमें आप देख रहे हो 2 डेज का ऑलरेडी डेज दिया हुआ है हमें और वीक्स को केवल कन्वर्ट करना है। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, तो हम 35 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 7 × 5 = 35 कैरी ऑफ 3, 7 × 3 = 21 + 3 = 24, 245 डेज आ गए। तो जो वीक्स में कन्वर्ट किया हुआ है 245 डेज, और 2 डेज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इसको भी प्लस कर देंगे, इसको साथ में यहाँ पे प्लस कर देंगे, 5 + 2 = 7, 4 as it is and 2 as it is, तो 247 डेज। क्लियर हो गया कि हम अगर यदि वीक से डेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और यदि हमें डेज दे रखा हो और अगर वीक्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में डिवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट दीज डेज इनटू वीक्स। अब देखिए यहाँ पर डेज में दिया हुआ है और हमें किसमें कन्वर्ट करना है, वीक्स में, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, डिवाइड। अभी हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में भी, मैं बता चुकी हूँ, जब वीक दिया हुआ होता है और डेज में कन्वर्ट करना होता है तब तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर डेज दिया हुआ है और वीक में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में डिवाइड होगा, कन्वर्ट द
इनटू वी. कन्वर्ट दीज डेज. या क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर टू दिया हुआ है. कन्वर्ट दीज डेज, कन्वर्ट दीज डेज इंटू वीक. ठीक है, तो इसका हम ए देख लेते हैं. 150 डेज, ए इज 150 डेज. ठीक है, तो आपको पता ही है डेज दे रखा है, वीक में कन्वर्ट करना है. तो वन वीक में कितने डेज होते हैं? 7. लेकिन जब हम वीक में आ रहे हैं तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय हो जाएगा, तो 1 divided by 7. ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकल करके आएगा? वीक. तो 150 divided by 7. तो आप अपने राइट हैंड साइड पे लगभग ड्रॉ कर लेंगे और वहां पे मेंशन करेंगे 150 divided by 7. 7 to the 14, 5 minus 4, 1, 0. Next क्या होता है? 0. 7 minus 7, -3. तो 21 जो आ गए वो तो क्या हो जाएंगे? वी. और वी क्या हो जाएगा? डेज. तो कैसे लिखोगे आप? जो क्वेश्चन आ गया वो तो वी हो जाएगा, 21 वी एंड 3 डेज. ठीक है, तो हम जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है आपको, जो क्वेश्चन में वैल्यू आ रही है ठीक है वो बड़ी यूनिट की होती है और जो रिमाइंडर में बचता है वो छोटी यूनिट की होती है. इज दैट क्लियर? ये चीज हम लास्ट ईयर भी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट इज सी. ठीक है, तो सी है 537 डेज. क्या है? 537 डेज. सी इज 537 डेज. ओके, तो अब ये देखिए इसके अंदर आंसर हम कर रहे हैं. वन वीक में अगेन कितने डेज होते हैं? 7. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? बड़ी यूनिट में आ रहे हैं तो डिवाइड हो जाएगा 1 divided by 7. तो 537 डिवाइडेड बाय 7. रफ वर्क मैंने फिगर बना रखा है, देखो. तो आपको भी रफ वर्क शो हो रहा है तो आप भी मुझे शो करेंगे. 537 डिवाइडेड बाय 7. ठीक है, 53 है तो 7 8 56 ज्यादा है. 7 7 49 माइनस 3 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, वन बोरो करेंगे 13 और इधर क्या रह जाएगा? 4. 13 minus 9 कितने बचेंगे? 4 0. नेक्स्ट उतारेंगे 7 47 हो गया. 7 7 49 ज्यादा होता है तो एक स्टेप पीछे देंगे. 7 6 42. 7 minus 2 5 and 0. तो 76 तो क्या हो जाएगा? वी. और 5 क्या हो जाएंगे? डेज. तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? 76 वी और 5 days. ओके, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा कि छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड. क्वेश्चन नंबर 3 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ. अब हमारे को मंथ के बारे में दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डेज वीक्स में कन्वर्ट किया था, डेज में वीक से डेज में कन्वर्ट किया था. फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डेज दिया हुआ है तो वीक में कन्वर्ट किया था. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 हम क्या करेंगे? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ. इयर्स आपको दिए हुए हैं और इसमें आपको मंथ में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ. क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ. आपको ईयर में दिया हुआ है, आपको मंथ में कन्वर्ट करना है. ओके, ये देखिए ए दिया हुआ है 5 इयर्स.
5 ईयर। ईयर कैसी यूनिट है? बड़ी यूनिट है, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, ठीक है। और मंथ छोटी यूनिट है, जब हम बड़ी से छोटी में आते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, 12 × 5। 5 ईयर्स के निकालने हैं तो 12 × 5 = 60 मंथ्स, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे बी, 9 ईयर्स 5 मंथ। 9 ईयर्स 5 मंथ। तो आपको पता है कि 5 मंथ ऑलरेडी मंथ में नहीं है, तो केवल ईयर को कन्वर्ट कर लिया। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 9 ईयर में कितने होंगे? 9 × 12, तो 12 × 9 = 108, ठीक है। ये मंथ हो गए, और जो 5 मंथ हमारे को दिए हुए हैं वो भी इसके अंदर हम प्लस कर देंगे। तो 8 + 5 = 13 कैरी ऑफ 1 एज इट इज 1, 113 मंथ्स। 9 ईयर 5 मंथ में मिलाकर के कितने मंथ हो जाएंगे? 113 मंथ हो जाएंगे, ठीक है। उतार लिया सबने। क्वेश्चन नंबर 4 इज कन्वर्ट दीज मंथ इनटू ईयर्स। कन्वर्ट दीज मंथ्स इनटू ईयर्स, ओके। तो जो मंथ दिया हुआ है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ईयर में, ओके। उसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 12। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 12। तो सबसे पहले हम बी करते हैं इसमें 39 मंथ्स, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? मंथ में कन्वर्ट करना है, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो बड़ी यूनिट में आ रहे हैं तो डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो 39 / 12, ये तो छोटी यूनिट है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48, तो 12 × 3 = 36। अब 39 में से 36 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3। तो रिमाइंडर में क्या बच गया? 3। तो 3 ईयर और 3 मंथ, ये आपका आंसर हो गया। अदरवाइज आप डिवाइड देके भी कर सकते हो। जो क्वेश्चन आएगा वो आपका ईयर होगा, और जो रिमाइंडर में बचेगा वो आपके मंथ होंगे, ठीक है। तो 3 ईयर्स और 3 मंथ, ठीक है, 3 ईयर्स 3 मंथ। नेक्स्ट हम करेंगे इसी में 79 मंथ, ठीक है। सी करेंगे 79 मंथ, ठीक है। तो वही हम डिवाइड करेंगे इसको, 79 / 12। आप रफ वर्क में मेथड डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, अगर यदि आपको कंफ्यूजन हो डिवाइड करके देख लीजिए। 79 में 12 का डिवाइड करेंगे, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, 84 ज्यादा है तो 6 टाइम जाएगा 72, 9 में से 2 गए 7। तो 7 जो रिमाइंडर में बचा है हमारा वो तो क्या हो गया? मंथ। और जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या हो गया? ईयर। तो क्या आ गया हमारा? 6 ईयर और 7 मंथ्स, ठीक है। तो अगर यदि कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि हमें क्वेश्चन समझने में, ईयर या कुछ भी समझने में डाउट हो रहा है, तो आप डिवीजन फॉर्म से भी कर। 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज कन्वर्ट दीज डेज इनटू ईयर्स एंड मंथ। कन्वर्ट दीज डेज इनटू ईयर्स एंड मंथ्स। हमें ईयर और
मंथ में कन्वर्ट करना है जो दिए हुए डेज है, ठीक है। तो दिए हुए डेज को हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे आप देखेंगे। कल हमने अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको समझाया था, कुछ रिवाइज कर रहा था कि वन ईयर में कितने डेज होते हैं। तो कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। जब कभी भी हमें डेज की बात करते हैं तो वन ईयर में हमें ध्यान में रखना है 365 डेज होते हैं। तो हम जब डेज से ईयर में आएंगे तो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, यूनिट दोनों की सेम हो जाएगी, ठीक है। तो हम उसको डिवाइड करके देखते हैं। पहले फर्स्ट ए देखिए, इसका 1250 डेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर में देखिए क्या करेंगे, 365, ठीक है, डेज कितने में होते हैं, वन ईयर में, ठीक है। वन ईयर में कितने हो गए, 365। जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हम वन ईयर बड़ी यूनिट पहले आ जाती है, फिर हम छोटी यूनिट करते हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, छोटी यूनिट से हमें बड़ी यूनिट माना है। तो हमने डेज छोटी यूनिट पहले लिख दी डेज, और थ्री ईयर बाद में लिखा। तो इट मीन्स क्या होगा, डिवाइड ही होगा, 1250 डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या कर देंगे, 365 का डिवाइड कर देंगे। और या फिर जैसे कि आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, वन ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। लेकिन इस तरीके से लिखने पर आपको खुद को डिसाइड करना है कि मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। दोनों ही ऑप्शन से लिख सकते हो, क्योंकि अभी पहले क्वेश्चंस में मैंने इसी तरीके से लिखवाया, ठीक है। तो आप दोनों ही तरीके से कर लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करना है। तो 365 में हम रफ कर्व ड्रॉ करोगे, या आप इसमें डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो। 1250 में 365 का डिवाइड करेंगे। रफ कर्व आप इसलिए ड्रॉ करोगे क्योंकि 365 बड़ी नंबर है, बड़ा नंबर है, तो हम इसकी टेबल बनाएंगे यहाँ। तो आपको पहले इसकी इक्विवेलेंट नंबर लेना है। देखो 125 तो छोटा है, तो हम जीरो लेंगे तो क्या बनेगा, 1250। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 का 0 कैरी ऑफ 1, 2 6 10 प्लस 1 13 का 3 कैरी ऑफ 1, 2 3 6 प्लस 1 7, 730 छोटा है। 365 को 3 से करेंगे, 3 5 15 का 5 1, 3 6 30 प्लस 1 31 का 1 3, 3 3 9 प्लस 3 12, 3 3 9 और प्लस 3 12, तो 1215 भी छोटा है। तो हम अब क्या करेंगे, 4 10 देंगे, 365 को 4 से करेंगे, 4 5 20 का 0 2, 4 6 24 प्लस 2 26 का 6 कैरी ऑफ 2, 4 3 12 प्लस 2 14। तो 4 टाइम्स तो ज्यादा आ रहा है, तो हम कितनी बार डिवाइड देंगे, 3 टाइम्स देंगे। 3 टाइम्स कितना आ रहा है, 1215, ओके। तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे 0 है तो 10 हो जाएगा, 5 की जगह 4, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 1 3, 0 0। अब आपको पता है जो क्वेश्चन और रिमाइंडर, क्वेश्चन हमेशा किसको डिनोट करता है, बड़ी यूनिट को, ठीक है। तो बड़ी यूनिट हमारे पास किसमें आ गई, सबसे पहले ईयर, तो 3 तो क्या हो जाएगा, ईयर, और ये क्या हो जाएगा, मंथ, ठीक है, क्योंकि हमें किसमें कन्वर्ट करना था, ईयर और मंथ में। तो 3 ईयर ईयर्स और 35 मंथ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो आपको डिवाइड शो भी कर सकते हो या रफ वर्क में करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर यदि डेज में पूछा जाए तो आप डेज में भी इसको आगे और कन्वर्ट कर सकते हो। डेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से हम आगे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमने क्या किया था, इयर्स और मंथ में कन्वर्ट किया, लेकिन 35 मंथ जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इसको भी आगे हम आगे कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए
क्योंकि 35 मंथ है, ठीक है। 35 मंथ को भी हमें आगे किसमें कन्वर्ट करना है, मंथ और डेज में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, मंथ और डेज में कन्वर्ट करना है। जब हम मंथ और डेज में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो इसको आगे किस तरीके से करेंगे, क्योंकि डेज में आएगा 35 मंथ है, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है। तो 35 में क्या करेंगे हम आगे, 35 में 7 का डिवाइड कर देंगे, तो 7 × 5 = 35, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, तो 5 क्या हो जाएंगे इसके अंदर, डेज आ जाएंगे, ठीक है, 5 डेज। इसी तरीके से हम इसको आगे कन्वर्ट करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, 1444 डेज बी का ही हम करेंगे। बी देखिए 444 डेज, ठीक है, इसको ईयर में निकालना है, सेम हम डिवाइड करेंगे, 444 डिवाइडेड बाय 365, ठीक है। तो हम डिवाइड कर देंगे 444 डिवाइडेड बाय 365, रफ वर्क में अभी हमने बनाया था, देखिए 365 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 5 = 10, 0, 1, 2 × 6 = 12, + 1 = 13, + 3, कैरी ऑफ 1, 3 × 9 + 1 = 10। तो 1030 तो ज्यादा है, तो 1 टाइम ही जाएगा 365, ठीक है। 4 में से 5 माइनस नहीं होता, 14, यहाँ पे 3, 14 - 5 कितने हो जाएंगे, 9, 3 में से 6 माइनस नहीं होता, अगेन बोरो 13 और इधर 3, 13 - 6 = 7, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या आ गया, 1 ईयर आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, 79 मंथ, ठीक है। तो अब इसको आगे भी करेंगे हम,